सो दिस शो आई गोना शो यू द डिफरेंट जायकास ऑफ इंडिया। तो इसलिए आज हम आ पहुंचे हैं खाना की नगरी मथुरा में। मथुरा जो कि फेमस है अपनी मिठाइयों के लिए, अपनी करारी कचौड़ियों के लिए और माय फेवरेट 10 फीट। चलिए आज चलते हैं मथुरा की जायके का मजा लेने। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मथुरा के दिल होली गेट पर। होली गेट जो कि अपने स्ट्रीट फूड की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर है ओमा कचौड़ी वाला, जो कि अराउंड 70 ईयर्स से अपनी कचौड़ियाँ यहाँ के लोगों को खिलाए। तो आइए चलते हैं ओमा कचौड़ी पर। ये बहुत ज्यादा गर्म है। सर आप कब से आ रहे हैं? जी मतलब मैं 5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ हर रोज खाने के लिए। 40 साल से इसमें काफी प्रकार के मसाले हैं और इस हिसाब से मतलब यहाँ पे मतलब सुबह सुबह की टाइमिंग में बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे हम लोग द्वारका जी दर्शन करने आते हैं, स्वादिष्ट सब्जी बनती है, अच्छी कचौड़ी बनती है, देसी घी की जलेबी बनती है। जिनकी लस्सी बहुत बहुत फेमस है, यहाँ की लस्सी 70 सालों से फेमस है। तो आइए चलते हैं ठंडी ठंडी लस्सी का मजा लेने। मैं देख सकते हैं कि लस्सी के ऊपर मलाई है। ये मलाई दही के ऊपर यूज़ नहीं की जाती, इसमें थोड़ा सा हम रवा ऐड करते हैं सिर्फ स्वीटनेस बढ़ाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा टेस्ट करती हूँ। प्रॉपर स्वीटनेस, वाव। आइए अब मिलते हैं बागी जी से और जानते हैं इस लस्सी का सीक्रेट। कि आपकी शॉप कब से चल रही है? मेरे ग्रैंड फादर थे श्री शंकर लाल जी, उन्होंने अराउंड 1960s में ये शॉप ओपन की। कितने साल पुरानी है जी? वैसे आई एम द 5th generation। तो ऐसा क्या है आपकी लस्सी में जो लोग यहीं पीने आते हैं? एक तो मथुरा में ठाकुर जी की कृपा है फिर लोगों का प्यार भी है जो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो अब मैं अपनी लस्सी को फिनिश करती हूँ, फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। ये है ब्रिजवासी मिठाई वाले। मथुरा में इनकी मिठाइयाँ बहुत 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 फेमस है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं मथुरा के पेड़े। आप देखें पेड़े बहुत 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 सॉफ्ट है, ये अभी बस फ्रेशली बन के आए। मैं आपको बता दूं पेड़ा बनता है मावा से। जब दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं उसका खोआ बनता है। खोआ बनने के बाद उसमें चीनी मिलाई जाती है और उसको फिर पकाया जाता है और फिर उससे बनते हैं ये पेड़े। बहुत ही बेहतरीन है, मावा बहुत बहुत अच्छी तरीके से पकाया हुआ है, स्वीटनेस बहुत अच्छी है इसकी, उसका टेक्स्चर लाजवाब है। अगर आप कभी भी मथुरा आए इन पेड़ों को जरूर टेस्ट कीजिएगा। मिठाई बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के जैसी टेस्टी मिठाई नहीं है। वेरी टेस्टी। मथुरा में सबसे ज्यादा पेड़े यहाँ अच्छे मिलते हैं, बहुत टेस्टी है।
था मथुरा। अभी शहर और भी है, अभी सफ़र और भी है। हम यूं ही चलते रहेंगे और आप सबसे वहीं मिलते रहेंगे। बाय बाय।